हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक स्फीयर की इक्वेशन से उस स्फीयर की सेंटर और रेडियस को कैसे निकाले। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक स्फीयर की इक्वेशन ले लिया है, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर एक स्फीयर की इक्वेशन है ये, तो हम यहाँ से निकालेंगे स्फीयर की सेंटर का पॉइंट और उसकी रेडियस। सो ये देख लो, ये होता है स्फीयर की जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एच जेड प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पर सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ माइनस एच। अब यहाँ पर अब देखो, एक चीज पहले आप कर लो, क्योंकि टू से मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हम उसको कुछ ऐसे लाएंगे, ओके, जिससे कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की कोएफिशिएंट वन हो। ओके, अब देख सकते हो इसकी कोएफिशिएंट वन है। तो क्या करेंगे हम, बेसिकली दो से डिवाइड कर दो सभी को। दो से अगर हम सभी को डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, इसको दो से डिवाइड करें तो सिर्फ एक्स बचता है, फोर वाई है, इसे दो से डिवाइड करें तो टू वाई, सिक्स जेड, इसे डिवाइड करें तो थ्री जेड, और फिफ्टीन है तो इसे दो से डिवाइड ऐसे ही हम रख देते हैं फिफ्टीन बाई टू। सो अब हम इससे इसे कंपेयर करेंगे। ओके, तो आप अपनी किताब में देखोगे तो क्वेश्चन कुछ ऐसे भी दिया हो सकता है जहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की कोएफिशिएंट पहले से ही वन है, तो एक स्टेप घट गया वहां से, जैसे कि यहां पर दो दिया होता है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो है आपको दिया हो सकता है। आप इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे, इसको हम नाम देते देते हैं वन। अब यहां पर लिखेंगे द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज, तो वही वाला इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस टू एच जेड प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 15 बाई टू था, तो और एक काम हम कर सकते हैं, 15 बाई टू को हम अगर लेफ्ट साइड में ले आए तो ये हो जाएगा माइनस 15 बाई टू इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो ये हो गया, यही बात है। तो यहाँ पर प्लस सी का वैल्यू है माइनस 15 बाई टू, ओके, सी का वैल्यू हो गया 15 बाई टू, टू जी एक्स का वैल्यू हो गया एक्स माइनस एक्स, टू एफ वाई का वैल्यू हो गया टू वाई, टू एच जेड का वैल्यू हो गया माइनस थ्री जेड। सो हम लिखेंगे कंपेयरिंग वन एंड टू वी हैव, कि ये दोनों इक्वेशन हम कंपेयर करके हमें क्या मिला है। यहां पर आप देख सकते हो एक्स एक्स है, यहां पर टू जी इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स की कोएफिशिएंट हम देखेंगे, यहां पर एक्स की कोएफिशिएंट है माइनस वन, यहां पर एक्स की कोएफिशिएंट है टू जी, वी हैव टू जी इक्वल्स टू माइनस वन और जी, और माइनस जी इक्वल्स टू, माइनस जी इक्वल्स टू क्या होगा, जी इक्वल्स टू माइनस हाफ, जी इक्वल्स टू माइनस हाफ, माइनस जी इक्वल्स टू प्लस हाफ। ओके, नेक्स्ट और क्या मिला हमें, यहाँ पर टू एफ वाई इक्वल्स टू टू वाई, तो यहाँ पर आप वाई की कोएफिशिएंट देखो प्लस टू, यहाँ पर वाई की कोएफिशिएंट टू एफ, टू एफ इक्वल्स टू टू। ओके, सो टू वाई इक्वल्स टू टू एफ वाई, वाई वाई अगर कैंसिल हो जाए तो टू इक्वल्स टू टू एफ, टू इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू टू, और माइनस एफ इक्वल्स टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा वन, माइनस एफ इक्वल्स टू माइनस वन। अब बारी है थ्री जेड। ओके, यहां पर आप देखो टू जेड, टू एच जेड है यहां पर, और यहां पर है माइनस थ्री जेड, सो जेड से अगर कैंसिल कर दे तो टू एच इक्वल्स टू माइनस थ्री, टू एच इक्वल्स टू माइनस थ्री है। कंपेयर करके हम कंपेयर कर रहे हैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को। अब यहां पर देखो तो ये सेम है, तो हम सिर्फ कंपेयर करेंगे ये वाला और ये वाला, और सी हमें सी को हम यूज करेंगे जब हम रेडियस निकालेंगे। तो हम अभी सेंटर निकाल रहे हैं, तो टू एच इक्वल्स टू माइनस थ्री आ गया यहां से, सो माइनस एच इक्वल्स टू, एच इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू, एच इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू, सो माइनस एच इक्वल्स टू प्लस थ्री बाई टू, सो सेंटर इज
हम जी एफ और एच की भी वैल्यू निकाल सकते थे, माइनस जी माइनस एफ माइनस एच का वैल्यू हमने क्यों निकाला, क्योंकि अगर हम देखें जनरल इक्वेशन को तो यहाँ पर ये वाला जनरल इक्वेशन है और माइनस जी माइनस एफ और माइनस एच है सेंटर, ओके जनरल इक्वेशन में। तो अगर हम माइनस जी माइनस एफ और माइनस एच की वैल्यू निकाल पाए तो यही हो जाएगा सेंटर। तो सेंटर हमारा हो गया है हाफ माइनस वन माइनस थ्री बाई टू, ये हो गया सेंटर का कोऑर्डिनेट। अभी निकालेंगे रेडियस का वैल्यू। तो एक बार आप देख लो कि सी का वैल्यू यहाँ पर क्या आया है, सी का कंपेयर करो, सी का माइनस फिफ्टीन बाई टू, माइनस फिफ्टीन बाई टू। सो रेडियस का एक फॉर्मूला था आर इक्वल्स टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी, रूट के अंदर ही, ओके। सो ये था आर की एक फॉर्मूला, आर मतलब रेडियस, ओके। सो यूनिट है ये भी, ये यूनिट। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा हाफ स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस थ्री बाई टू स्क्वायर माइनस सी, सी मतलब माइनस फिफ्टीन बाई टू। सो यहाँ पर माइनस है तो हम ये हो जाएगा प्लस फिफ्टीन बाई टू इक्वल्स टू वन बाई फोर प्लस वन प्लस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू ये हो जाएगा नाइन बाई फोर प्लस फिफ्टीन बाई टू, और फिफ्टीन बाई टू को हम लिख सकते हैं थर्टी बाई फोर। कैलकुलेशन के लिए मैंने ये कर दिया, सो यहाँ पर आप प्लस कर लो, फोर 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 नीचे आ जाएगा फोर, ये हो गया नाइन प्लस वन टेन प्लस थर्टी फोर्टी प्लस वन, ये हो जाएगा टेन प्लस हो गया रूट इलेवन, रूट इलेवन यूनिट। ये हो गया रेडियस और हमारा सेंटर जो है वो हो गया हाफ माइनस वन माइनस थर्टी टू। और एक इजी क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सपोज नाइन। सो ये बहुत ही आसान होगा जहां पर एक्स की पावर में वन वाला इक्वेशन यहाँ पर नहीं है। आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है और कोई भी एक्स वाई और जेड वाला टर्म यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो सिंपली क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री को हम लिखेंगे नाइन को थ्री स्क्वायर। सो सेंटर, ऐसी इक्वेशन में सेंटर हमेशा होता है, सेंटर होता है जीरो 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 ओरिजिन में, और रेडियस होगा रेडियस आर इक्वल्स टू थ्री, ओके। सो इसकी जो जनरल इक्वेशन होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर ऐसी फॉर्मेट में हम लिख पाए इक्वेशन जो दिया हुआ है तो इसका सेंटर होगा ओरिजिन में और इसकी रेडियस होगा ये आर, ओके। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, नीचे जाके कमेंट कर देना, और मैंने एक ईमेल भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, मतलब चैनल की जो डिस्क्रिप्शन होता है। तो अगर कोई भी डाउट हो कहीं पर या फिर कोई क्वेश्चन में आप स्टक हो जाओ तो आप उस ईमेल में उसकी एक पिक्चर भेज सकते हो। तो इसके बाद हम और भी क्वेश्चन करेंगे स्पेयर से रिलेटेड। तो मिलते हैं कोई अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।